हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के दिन हम बात करेंगे जय प्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के बारे में, मतलब जेपी पावर के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज आपको बताएंगे कैसा स्टॉक रह सकता है आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करें जय प्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड इज इंगेज इन द जनरेशन ऑफ पावर इंक्लूडिंग हाइड्रो थर्मल सीमेंट ग्रिडिंग कैपेटिव कोल माइनिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ पावर। बात करें बुक वैल्यू थोड़ी सी अच्छी देखने को मिली और फेस वैल्यू से भी बढ़िया, हाई के आसपास और के ट्रेड कर रहा है, हाई और लो के 52 वीक के हाई और लो के। बात करें मार्केट कैप अच्छा देखने को मिला है। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो अभी वॉल्यूम पिछले मई और जून से कंपैरिजनली कम है, लेकिन ठीक ठाक है। और बात कर ले आगे तो पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा नहीं है, नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा है। इंडस्ट्री सेक्टर से बिलोंग करता है, पावर जनरेशन इंडस्ट्री से एंड सप्लायर्स वाली से। कॉम्पिटिटर भी देख सकते हैं NTPC अडानी पावर, टाटा पावर, JSW एनर्जी, NTPT अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन। और अब बात कीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की, तो पॉजिटिव पॉइंट दो है, स्टॉक इज ट्रेडिंग 0.44 टाइम इट्स वैल्यू, कंपनी हैज डिविडेंड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, यहाँ देख सकते हैं प्रॉफिट अच्छा ग्रोथ दे रही है पिछले 5 साल में, लेकिन इंटरेस्ट रेशियो में कम दे रही है, साथ में डिलीवर्ड सेल्स कम दिए और प्रमोटर्स की होल्डिंग 26% ही है। और देख सकते हैं डिक्रीज़ हुई है प्रमोटर्स की होल्डिंग कुछ पिछले टाइम से। तो आज का वीडियो इतना ही था, बैलेंस शीट किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो एंड करते हैं, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।